औ बाबा, कैसे हो सब लोग? बढ़िया, सबको भी बढ़िया होना भी चाहिए। आज मैं जा रहा हूँ अपना वाटर कलर, स्केचिंग सीट और पेंटिंग के जितनी सामान मिलते हैं मैं वहाँ जा रहा हूँ, मतलब चौक जा रहा हूँ। चौक में आज हम आपको दिखाएंगे कि किस प्रकार के सामान कैसे दाम में किस तरह मिलता है, क्योंकि आर्ट के लोग बहुत से, जैसे यूनिवर्सिटी के मेरे दोस्त हैं अनुराग, अकाल, बहुत से दोस्त हैं, विकास और अश्वनी, अखिलेश, बहुत से जो आर्ट के मेरे दोस्त हैं, अंकित भाई, जो कि मतलब अंकित भाई का तो बात ही नहीं डाली, वो तो भाई दिल्ली का आर्टिस्ट भाई है मेरा, वो वहाँ से सामान ले लेता है। लेकिन मैं अपना बता रहा हूँ कि इलाहाबाद में कटरा और एक बालसान, दो जगह तो दुकानें मिलती हैं पेंटिंग की, जो कि इतनी लूट मची है कि इंसान गरीब हो तो भिखारी बन जाए एक प्रकार से। इसीलिए मैं भैया यहाँ का लोकल इंसान हूँ, आपको पता है इलाहाबाद भारत वाले तो जुगाड़ू होते ही हैं, तो थोड़ा सा भी जुगाड़ मिलता है तो हम भौकाल बना लेते हैं। तो चाह रहे आज हम चौक जाएंगे और जीरो रोड बस अड्डा, ठीक। मैं अपने घर से निकल रहा हूँ तो मैं आपको दिखाता हूँ अपने ब्लॉग में। आज पहली बार ब्लॉग बनाना स्टार्ट कर रहा हूँ, आपको बता दूँ, अगर मानता हूँ कोई गलती उलती हो तो बताइएगा कमेंट में करके कि मैं उससे सुधार सकूँ, ठीक। और आपका आशीर्वाद, दया, जो भी हो, छोटे हो, बड़े हो, सब कुछ जो आपको हो, आशीर्वाद, दया हमारे ऊपर बनाए रखिएगा। ये देखिए हमारी साइकिल, ये हम जानते हैं, हम मिडिल क्लास इंसान हैं, ये हम साइकिल से चलते हैं, पता है ना, इलाहाबाद से पूरी इलाहाबाद सैर करते हैं साइकिल से। ये देखिए मेरी साइकिल खड़ी है और आगे का रास्ता आपको दिखाता हूं। छोड़ा है जहान नीचे, मैं तुम्हारे अब हूँ हवाले, अब दूर दूर लोग बाग मिलो दूर। ये बस अड्डे के पास मेरा घर है, देखिए वर्कशॉप, जोशी वर्कशॉप के पास यही सीट है ना। मंजर पर मैं रुका नहीं, कभी खुद से भी मैं मिला नहीं, ये किला तो है मैं खपा नहीं, शहर एक से गांव, एक से लोग, एक से नाम, एक ओ, 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 फिर से चला। ये देखिए गंगा जी का पानी बढ़ गया, बाढ़ आ गई है भाई साहब, ओम्फ देख रहे हो, नीचे रोड हल्की से बची हुई है तो कब निपट जाए कोई भरोसा नहीं है। पहाड़ बढ़ गई है, मौसम भी अच्छा हो गया, देख रहे तिरंगा आज लगा है, 16 अगस्त हो गया, 15 अगस्त का लगा था, और गंगा जी में पानी भी बढ़ गई है, आपको एक नज़ारा मिल जाता है, देखिए क्या खूबसूरत नज़ारा है, तिरंगों के साथ नीचे पानी, सामने किला तो नहीं दिखता होगा क्योंकि मेरा फ़ोन है ना, कैमरा तो है नहीं, उतना दूर तक कैच करेगा। आप लोगों का साथ आ रहा है तो कैमरा भी हो जाएगा, ऐसी कोई बात नहीं है, समझ रहे हो। वैसे एक बात बताएं बाबा, देखो यार इलाहाबादी भाषा थोड़ा आसान पड़ता है, तो इसे बोल ले बाहर रहे हम, समझ रहे बाबा, इसलिए बीच बीच में थोड़ा बहुत आवाज़ का थोड़ा दिक्कत होगा तो समझ लीजिएगा, अच्छा नहीं लगे तो बताइएगा, उसका भी जुगाड़ करा जाएगा। देख रहे हो बाबा, उधर पूरा नैनी दिख रहा, पूरी नैनी बस्ती, नैनी दर झोसी, ये पुल देख रहे हो बाबा, तीन ये पुल कम से कम 3 किलोमीटर है, 3 किलोमीटर की, मैं इसको रोज आवे पर डे पार करना है, आना जाना रहता ही है, कहा कि स्केचिंग करने जाते ही हैं, तुम समझ ही रहे हो भाई, यही अपनी बसंती के साथ साइकिल, मेरी बसंती, समझ रहे हो, समझ रहे हो। रंग बिरंगे बहनों में मैं उड़ता हूँ, मैं अकाउंट में अपना KYC फॉर्म फिल करने जा रहा हूँ, फिर इसके बाद अकाउंट में दूंगा, मेरा अकाउंट चालू हो जाएगा। चलिए ठीक है, फिर मैं आपको वीडियो में आगे
पर आता हूँ। आ गया बैंक, बैंक में काम होगा, यही मेरा बैंक है, ये देखो इधर पोस्टर लगा है बैंक ऑफ इंडिया, ये मेरी साइकिल खड़ी है, अब हम लोग चलते हैं चौक के लिए, मतलब जीरो रोड बस अड्डा, समझ रहे हो, अब हम लोग चलेंगे, कलर सीट सब कुछ लेंगे, आज आज तो भैया पैसा कल लेके आए, आज तो दम छापन छाप सामान लेंगे तगड़ा से, दम भौगात बना के जा रहे हैं, अब बस अब सामान लेना है, घर जाना है, देख लो दाढ़ी वाड़ बड़ा होएगा है, कटाक टाइम नहीं मिल रहा, चलो ठीक है फिर मिलते हैं दुकान पे। लोग अपने लक्ष्य पे पहुंच गए हैं, अब हम लोग का ये जानते हैं, हम जीरो रोड बस अड्डा आ गए हैं, देखो बस अड्डे के पास खड़े हैं, ये देखो पत्ती भी जा रही है अंदर, ये बस अड्डा है पत्ती रोड बस अड्डा, यहाँ के पास आपको आठ के देखिए यहाँ दो दुकान मिलेंगी आपने, एक विकास कला केंद्र है, एक सुभाष स्टेशनरी मार्केट, यहाँ आर्ट के हर सिस्टम मिलेंगे आपके, आप आके ट्राई कर सकते हैं, आपको जो दुकान अच्छा लगे, आपको जो प्राइस कम दे, तो उस हिसाब से आप समझ के कर लीजिएगा, ठीक। अब हम आपको दिखाते हैं स्केचिंग सीट कहाँ से मिलती है, मैं तो यहाँ से सामान लेता हूँ लेकिन बहुत कम, क्योंकि यहाँ मुझे उस हिसाब से अच्छा नहीं लगता, सामान मिलता भी नहीं है, महंगा भी बहुत देते हैं, ठीक। तो मैं आप आगे देखता हूँ, आपको मैं माया वाले के यहाँ ले चलता हूँ, ठीक, चलते हैं हम, आपको बहुत सारी दुकानें, पेंटिंग की जितनी दुकानें हैं सारी दिखाएंगे आपको, ये भैया क्या कर रहे हैं, ये वर्कशॉप बस अड्डा, बस अड्डे के जस्ट सामने बगल से गेट गई है, दुकानें तो बंद है वाली यार, चलते तब भी आपको दिखा देता हूँ दुकान स्केचिंग सीट की, ये सामने गली के अंदर जाना है हमको, ये जैसे अंदर घुसेंगे सीधा सीधा चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, चलते चले जाओ, ये मंदिर है बहुत अच्छी मंदिर है, आइए कभी घूमने, ये दुकान खुली है माला अग्रवाल, अग्रवाल नहीं बाबा जो भी हो, ये दुकान है, हम सीट यहीं से ले जाते हैं अपनी स्केचिंग सीट आपको दिखाते हैं, भैया जी है नहीं ये सारे भाई भैया सीट दे दीजिए, जो गोल्ड क्या कहते हैं उसको, प्रिंटर उंटर में सब चले, गोल्ड में जो वो आती थी पतली वाली, लेकिन आप बोलने लीजिए, हाँ वो 95 रुपये का सैकड़ा ले गए थे, इको राइस उठा दो, इको राइस 3 नंबर, हाँ 100 पीस, अरे गोल्ड की, गोल्ड गोल्ड कहे थे क्या, गोल्ड पेपर, गोल्ड पतला वाला, अरे भैया थे भैया देते, स्केचिंग सीट साइड चाहिए था, लाया भी नहीं, आगे हम लोग एक दुकान देखी है भी है, यहाँ भी कुछ ना कुछ सामानें मिल जाती हैं, एक लाइन जरा दुकान है, आपको पेंसिल की दुकान भी दिखाते हैं, एक दुकान इसकी इस गली के अंदर बगल में है, उधर भी दुकानें लाइन से बनी हैं, सारी दुकानें ही हैं आर्ट की, आगे दुकान पे, ये दुकान है, ये दुकान माया मार्केट, ये यहीं पे मिलता है, ये मंदिर, ये देखिए मंदिर के सामने जस्ट दुकान है यही वाला, यहाँ से हम लोग सामान लेंगे, देखते हैं क्या क्या कैसे मिलता है, देखो भाई मैं सामान ले लिया हूँ, और मैं अपना आर्ट कलर सामान भीड़ दुकान पे जाता है इसलिए मैं वीडियो दिखा नहीं पाया, अब मैं घर पे चलता हूँ तब आपको दिखाता हूँ क्या क्या सामान लिया हूँ, ठीक, ये मेरी साइकिल, अब हम लोग निकलते हैं पेंसिल लेने के लिए, पेंसिल जहाँ मिले वो भी दिखाता हूँ आपको, अरे जिससे आप आगे आएंगे, ये बगल है दुकान से, देखो ये रोड पे, ये भी रोड है आर्ट, ये जगह क्या है पता नहीं, लेकिन ये रोड पे आओगे तो ये यहाँ पर मिलता है सामान पेंटिंग का, यहाँ भी मिलेगा, ये देखो यहाँ सीट है,
ये अब ये आ गए हम लोग मेन दुकान पे। माली माल कहीं से ले लो, माली माल सारे दुकान आर्टिस्ट लोगों का है। यहाँ सारे आर्ट के सामान मिल जाएंगे। देखो डोमिनोज का याद आ रहा है, लोग हैं कहाँ 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 चीज़ें याद आ रही है। यहाँ पे पेंसिल लेते हैं, ये देखिए ये फैब्रिक कलर है, फैब्रिक कलर पोस्टर कलर फैब्रिक कलर, ये देखो पेंसिल कलर, सारे कलर मिलेंगे। आर्ट के पूरे सामान पूरे अंदर। यहाँ पे हमने पेंसिल की बात की, पेंसिल मिल रहा है, देखते हैं। सारे कलर ही कलर है, फैब्रिक कलर का छोटा डब्बा, ये फैब्रिक कलर ट्यूब वाला, ये देखिए इसमें इसका प्राइस है 85 रुपये। देख रहे हैं ये फैब्रिक कलर है, ये बड़ा बड़ा बॉक्स है डब्बा, ये आप अलग से भी ले खरीद सकते हैं। एक एक मतलब अलग अलग कलर 20 रुपये, एक 25 का भी आता है, एक सीसी सिर्फ एक सीसी, ये बॉक्स नहीं सीसी एक। ये फैब्रिक कलर अलग से एक एक पैकेट खरीद सकते, एक एक सीसी 20 रुपये का, एक सीसी 25 रुपये वाला कलर है फैब्रिक कलर। ये प्राइस लिखा है, ये 25 रुपये सीसी, ये 20 वाला। इसको आप अलग से भी ख़रीद सकते हैं, जैसे कि आप अलग अलग सीसी लेना चाहें अलग अलग कलर की। ये 20 रुपये प्राइस है फैब्रिक कलर की, छोटी है ये बड़ी है थोड़ा, दो कलर है। इसी हिसाब से सारे सामान मिलते हैं यहाँ पर, आर्ट की पूरी चीज़, पूरा चीज़ आर्ट का। ये इधर पेंसिल है सब कुछ, ये कलर छोटे बच्चे क्ले के लिए, क्ले के लिए आर्ट लाइन की दीजिए, आर्ट लाइन नहीं है, यही ले लो भाई, ये नहीं सही चलता। ये दुकान है भाई का, जीरो रोड बस अड्डे के पे है, जीरो रोड बस अड्डा, ये रोड वाली, ये बस अड्डा वाली रोड है, इसी के जस्ट बगल में हम बताए थे, जैसे मायावली के पहले ही गली से निकल के आइए, यहाँ सामान मिल सकती है। और हम लोग बस अब हमारा ब्लॉग ख़त्म होता है, आपको जो सामान लेना है यहाँ से ले सकते हैं। तो हम लोग सामान लेके चला हुआ ये स्टेशन वाली रोड पे, ये स्टेशन वाली रोड है। हम लोग सामान आर्ट का पूरा सामान खरीद लिया, अब दवाई ले आए हैं पापा की, धूपर की दुकान से, धूपर की दुकान है डॉक्टर के यहाँ से। और भाई हमका तो उम्मीद है तुम लोग का सब समझ में आएगा भाई, तुम सबका समझ में आएगा भाई। और जो ना समझ में आई तो भाई मैसेज कर लेना या फ़ोन कर लेना, इंस्टाग्राम मेरा इंस्टाग्राम नाम है आदित्य तिवारी नाम से, आईडी चला रहे बाबा ठीक, तो पे हमारा नंबर भी पड़ा है, निकाल के फ़ोन कर लेना, बता दे बैठे ठीक। अब इतना तो कोशिश किया हो सके तो समझ जाना। ये आ गए हम लोग दुकान पे। हाय गाइस, तो देखिए मैं आज सामान ले आया हूँ यार, जानते हैं बड़ा दिक्कत हो गया, चौक जाने पे बहुत सी दुकानें पे सामान मिले नहीं, तो हमें बस ये सीट मिला, स्केचिंग सीट, जो कि ये है 105 रुपये का सैकड़ा, सैकड़ा मतलब 100 पीस। बाबा देखो एक चीज़ तो और बता दी, देखो हमारा हिंदी थोड़ा इंग्लिश थोड़ा वीक है, तो इंग्लिश जहाँ हुआ करे तो समझ लिया करो भाई, अपना बता दिया करो, थोड़ा सा हमको भी सिखा दिया करो, कमेंट करके बता दिया करो क्या लिखा है। तो सीट है ये तो थोड़ा बहुत इंग्लिश आता है, लेकिन उतना भी नहीं आता कि तुमको समझा रखे कि हम इंग्लिश में। तो बाबा ये देखो 105 रुपये मिला है, 100 सीट हैगा, मतलब 105 रुपये सैकड़ा। और ये आर्टिस्ट का कलर मिला हैगा, ये कलर में हैगा आर्टिस्ट का कलर है, कैमल कंपनी का है, 24 कलर है ठीक, वाटर कलर है। और ये में देखो भाई सब कलर के नाम, जोका मुका मुका अभी शायद आज तक नहीं ना याद है कि नाम, लेकिन ये है काम कर ली थी काम भर के। देखो इसका प्राइस है यार, देखो 300 रुपये प्राइस पे कैश करो बाबा। हाँ ये देखो प्राइस 300 रुपये का है। अब मैं इसको खोल के दिखाता हूँ आप लोगों को क्या सिस्टम है इसका, इसके अंदर बड़ा आराम से जब भौकाली चीज़ है स्टील का। इससे बाबा देखो ट्यूब वाला कलर और पोस्ट, जो ट्यूब वाला कलर आता है, एक ठो और आता है डब्बे वाली, जो पोस्टर कलर का जैसे डब्बा रहता है उसमें भी शायद वाटर कलर आता है, तो उससे बढ़िया ये जानते क्यों। अबे खुल नहीं रहा, बड़ा ख़तरनाक बॉक्स दे दी से भाई साहब,
खुलो भैया, खुल जाओ, खुल गवा, खुल गवा। एक हाथ से फ़ोन पकड़े हैं, एक हाथ से काम कर रहे हैं। बाबा तुम लोग को दिखाना तो ज़रूरी है ना। देखो बाबा, देखो इसमें एक पर्ची मिली है, ये पर्ची है जो कि हमें पूरा कलर के नाम, कलर के नंबर सब कुछ लिखा है। तो ये पर्ची बड़ा कामिल चीज़ है, ये सब याद वाद कर ले, वो थोड़ा काम है देगा, अच्छा चीज़ रहेगा कि कभी कौन सा कलर कहाँ है। तो ये पर्ची लगा रहा था हमें, इसमें सब कुछ ऐसे लिखा रहेगा, ऑरेंज कलर या ऑरेंज कलर सब है ठीक। अब इसमें देख लो, एक ब्रश मिलेगा, एक ब्रश मिलेगा तुमका और एक कलर मिलेगा। इसमें सबसे बड़ा फ़ायदा बाबा का है कि कहीं भी जाओ तुम, कहीं भी वाटर कलर घर के अंदर करो, घर के बाहर करो, तो इसमें ही रहा था ना कि कोई भी दिक्कत नहीं, बस तुम अपन ब्रश ले लो और ब्रश के बाद एक कलर में पानी और तुम अपन आराम से यही के ऊपर देखो, यही के ऊपर एक के ऊपर अपन निकाल के काम कर लो, एक के नीचे। जैसे हमारे पास दूसरा कलर रखा है, दुकान तुमका दिखाई थी, जैसे ये देखो हमारी ये 18 कलर के, ये 150 रुपया नहीं नहीं 250 रुपया करा। देखो मैं कलर भी ख़त्म है हमारा, तो हम यही पे काम कर ली थी, यहाँ पे कलर निकाला, अब यही निकाल के काम कर ली थी अपन, यही लिखा ही। देखो हम नीचे भी काम कर रखे, ये यद देखो, देख रहो कलर बहुत गंदा है रखा है, ऊपर ऊपरों काम चल रहा है, देख रहे तिरंगा बना बना काम चला रहे। तो यही चीज़ है कि इसमें 18 कलर रहेगा, इसमें 18 कलर रहेगा और इसमें 24 कलर, इसमें 24 कलर है। तो 300 रुपये का आएगा, आई है 250, 250 तो समझ ना, 250 के, ये 250 के आएगा, आई 250, ये 300 के। बाबा देखो तुमका सही बता रहे, देखो चौक जाओ, 300 बोली थी लेकिन 280 में दे दी तुमका, 280 में ठीक, 280 में मिल गया आर्टिस्ट कलर, बढ़िया भौकाल बना काम करो, समझ रहे हो, और समझ में आएगा। ये सीट दी से 100 सीट है, देख लो स्केचिंग सीट है, समझ रहे हो ना बाबा। बाबा समझ में आवा, सब सामान लेके आएगा। और एक चीज़ और बता दी कि समझ में आएगा वही सामान, हमका पेंसिल उनसे लेना रहा, पेंसिल नहीं मिला, आर्टिस्ट कंपनी की पेंसिल कहीं नहीं मिल रही है, उसका भी जुगाड़ करते हैं, कुछ बताते हैं आप लोगों को जुगाड़। एक दिन आप लोगों को कटरा और बालसन की अगली वीडियो में, कटरा में कहाँ सामान मिलता है और बालसन पे कहाँ मिलता है, क्योंकि बालसन में इतना कोने में दुकान खोल रखी है कि तुम पूछा पूछा चले जाओ ना मिलेगा। अब वो भी दिखा दे एकदम सीधा है दुकान, ठीक चलो ठीक है। फिर वीडियो कैसा लगा बताना, और जो भी दिक्कत परेशानी हो तो बताना, हमारा इंस्टाग्राम आईडी है आदित्य भारी नाम से आएगा, ओका देख लेना, डिस्क्रिप्शन में मैं डाल देगा अपन आईडी, कोई दिक्कत हो ही मैसेज करके पूछ लेना ठीक भाई। चलते हैं फिर, सब मस्त रहना, मस्ती से रहना, उम्मीद होएगा कि वीडियो समझ में आए होएगा, ना आए होएगा तो फिर मैसेज कर लेना ठीक भाई। नमस्कार फिर सबको, सबका बहुत बहुत धन्यवाद वीडियो देखने के लिए, जय राम जय हिंद।